हा जर आपण लक्षात घेतला तर भारताच्या एकूण नावाला एक सन्मान प्राप्त करून देणार नववर्षाचा कालखंड. आता भारतीय जनता पक्षात आम्ही आहोत म्हणून काय मी बोलतो असं भाग नाही, परंतु एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. म्हणजे मी असं म्हणेन की मागच्या पंतप्रधान लोकांनी काहीच केलं नाही असं आपल्याला म्हणता येणार नाही, परंतु फासिवपणे ज्या गोष्टी केल्या म्हणजे एकूण रचनात्मक कार्य केलं. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की भारतीय जनता पक्ष संघ परिवाराचा भाग आहे. संघ परिवाराचे विविध क्षेत्रातले प्रमुख लोक आरएसएस जरी भारतीय जनता पक्षाचा एक स्ट्रक्चर असला तरी सुद्धा आरएसएसच्या माध्यमातून राजकीय भूमिका घेणारा भारतीय जनता पक्ष मजुरदारांच्या मजुराकडच्या लेबर विंग निघाली, शेतकऱ्यांची विंग निघाली, व्यापाऱ्यांची विंग निघाली, अध्यात्माची विंग निघाली, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट निघाली, अशा प्रकारच्या मानवाच्या जीवनाला पूरक असलेल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला स्वारस्य आहे. आणि ते करताना कुठेतरी लोकांना दाखवण्याकरता नाही तर मूलभूत त्या ठिकाणी अंतर्मनापासून मायक्रो लेवलवर जाऊन त्या ठिकाणी अभ्यासपूर्वक निरीक्षण करून त्याची पूर्तता करावी या उद्दिष्टानंच माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी आता या ठिकाणी अमित मिश्रा जे पी नड्डाचे आमचे देवेंद्रजी फडणवीस आणि आमचे अध्यक्ष बावनकुळे याची खोटी ते दिली आहे. मगाशी बोलणं केला गेला की अतुलजी कॅन्सल करावे की त्याला कोणती बोललं गेले की 10 कोटी रुपयांची गेले आंदोलन त्याची परिस्थिती त्याला बँका बंद कोणाच्या हातात पैसा नव्हता पण मी विश्वासाने सांगतो या व्यापाराने माझ्या निर्वाचनाशी 10 कोटी रुपयांचा माल पाठवून दिला. पैशाने मागितले पैसे नंतर जसे टप्प्याटप्प्याने तशी लॉकडाऊनची तीव्रता कमी होत गेली तसे पैसे आम्हाला मिळाले. जसे आम्ही देत होतो पैसे बाजारात आणते पण होते म्हणून बाजारातले पैसे घेणार का म्हणून देणार सुद्धा पाहिजे, परंतु त्यावेळेला व्यापाऱ्यांनी माणुसकी धर्माची जतन केली, माणुसकी धर्म उजागर केली. या व्यापाऱ्यांना पहिल्यांदा धन्यवाद देतो. मगाशी मी मोहन महिना बोललो की ज्याला व्यापाऱ्यांचं कौतुक व्यवसाय विक्री करत होतो त्याला काही व्यापारी स्वर्गस्थ झाले. आपल्या कर्तव्याच्या एकूण 18 नाही म्हणजे त्यावेळेला काय पैसा त्यांच्या खिशात नव्हता असं तर लहान नाही पैसा होता, परंतु हा व्यापार जर उत्तीर्ण झाला नाही तर जनता उपाशी आहे आणि एकूण हल्लकल्लोळ माजले. या धारणेतून एकेकांनी प्रत्येकाला एक होतो ना ज्याला आपण जनतेच्या सुधारणेवर टेस्टिंग करत होतो, व्यापाऱ्यांना आपण लस देण्याचं काम करत होतो, परंतु त्यावेळेला मी विनम्रपणे सांगेन की त्या कालखंडात भारतीय जनता पक्षाच्या 70% कार्यकर्त्यांनी जीवाची परवाना करताना आम्ही कोविड सेंटरला गेलो, आम्ही हॉस्पिटलला गेलो, आम्ही महापालिकेला त्यावेळेला दर आठवड्याला मी व्हिजिट करायचो, माझ्याबरोबर माझे सर्व सहकारी मास्क असायचं, डिस्टन्स असायचं, हँडग्लोव्ह घालायचो, सॅनिटायझर वापरायचो. हे ते चित्र त्या कोविडचा कालखंड असलं तो कालखंड फार कठीण कालखंड होतो. आणि त्या कालखंडामध्ये जे नरेंद्र मोदीजीने जे एकूण ऐतिहासिक कार्य केलं की भारतातल्या 140 कोटी लोकांना लस दिलीच दिली, परंतु 75 अनेक भाग दुसऱ्या देशातल्या जनतेला जवळजवळ भारतीय जनतेला जेवढे डोस दिले कोविडचे प्रिव्हेन्शनचे त्याच्या अर्धे जवळजवळ परदेशातल्या लोकांना दिले गेले त्याला टीका झाली की आपल्या लोकांना तिथे मरताना तुम्ही दुसरं शेवटी प्रश्न असे की बॅलन्स सगळ्या गोष्टीचा करावा लागतो. मोदीजीने त्या ठिकाणी निश्चितपणे केलं. मी विनम्रपणे सांगतो 2014 साली मोदींच्या बरोबर कुठली जमात होती तर ती व्यापाऱ्यांची जमात होती. व्यापाऱ्यांनी त्यावेळेला उत्स्फूर्तपणे मोदीजींना पाठिंबा दिला. नंतर भरपूर लोक आले, शेतकरी आले, कामगार आले, शास्त्रज्ञ आले, डॉक्टर आले, वकील आले,
परंतु त्या कालखंडामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वाचा एकूणच जगाला आणि भारताला कसा उपयोग होईल पहिली जाणवत होती व्यापारी म्हणून जाणवत. भारताच्या एकूण नेतृत्वाला जगाच्या पाठीवर तेवढं काय कोणी सिरियस घेत नव्हतं. म्हणजे अमेरिकेत एखादी घटना घडली तर अमेरिकेला काय वाटतं त्यांच्या राज्यकर्त्यांच्याकडे आपण बघायचं. अमेरिकेकडे बघताना रशियाला काय वाटतं ते पण आपण बघायचं. आज ती परिस्थिती राहिली नाही. ती स्थिती बदलली. जब युक्रेन का यूरोपियन लोगों का झगड़ा जब रशिया के साथ शुरू हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के साथ बोल रहे थे कि भाई भारत ने यूरोपियन और अमेरिका को साथ देना चाहिए. मोदी साहब ने सबका सुना, रशिया का भी सुना, लेकिन अपने देश की विचार जरा अलग रखी. मोदी साहब ने बोला कि भाई आज के कालखंड में लड़ाई कोई मार्ग नहीं है. जब दुनिया की डेवलपमेंट करनी होगी, प्रगति करनी होगी, तो आपस में झगड़े फसाद, न्यूक्लियर का कोई किसको डर दिखा रहा था वेपन का, तो उस टाइम मोदी साहब ने बोला कि हम किसके बारे में नहीं, हम तटस्थ रहेंगे. और अमेरिका भी कुछ मोदी साहब को डर नहीं बता सकी. मोदी साहब ने आपने देखो तो भारत को डर नहीं बता सकी, रशिया डर बता सके. आपको आज अर्थव्यवस्था में भारत जो 25-30 के नंबर पे कतार में था, आज पांचवे नंबर पे अर्थव्यवस्था. और मैं से बोलूंगा कि अपना सबका साथ मिलेगा तो मोदी जी अपने देश के नेतृत्व के एक नंबर पूरा अच्छे का अपने देश के नेतृत्व उठाएगा. आज के तारीख में लोग बोलते कि भारतीय जनता पक्ष धर्म जात को लेकर आगे आगे बढ़ रहे. नहीं, अब मिडिल ईस्ट के बहुत सारे राज्यकर्ताओं की आप भूमिका देखो, वो मोदी साहब को फॉलो कर रहे हैं. बहुत सारे शेख जो राजा हैं तो इस दुनिया में जन्म लिया हुआ हर इंसान को जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, व्यक्त होने का अधिकार है. जमाने में अपने भारत को इतना कुछ अपन फ्री मूवमेंट में विचार रखने की ताकत भी अपने लोगों में जनों में नहीं थी, डर लगता था. लेकिन आज टू बी डेवलप जो विकसनशील देश है वो लोगों को पक्का विश्वास है कि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है. ये हम लोगों को पनाह देने की क्षमता ये देता है. और भारत की ओर जो छोटे छोटे देश है, गरीब देश है, वो लोगों को भारत के नेतृत्व की आशा है कि वही नेतृत्व के नीचे विश्व का भला होने वाला है. आज की तारीख में आज बिरसा मुंडा जी की आज जयंती, आदिवासी नेता, आज उनकी पुण्यतिथि है. तो आदिवासी शेड्यूल का शेड्यूल बैकवर्ड क्लास ये सब लोगों को साथ लेके लेते लेते सबको समानता लाने का मोदी जी ने प्रयत्न किया है. ये मोदी जी के नेतृत्व की खासियत. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस स्थान में, उस राष्ट्रपति के स्थान में देने के बाद में उन्होंने ये मैसेज दिया है कि ये हमारे विचारधारा में कोई सर्वसामान्य अभी हम किसको नीचे स्तर का समाज आपको बोलने की जरूरत नहीं. वो समाज नीचे स्तर पे रहा नहीं. जिसके विचार अच्छे हैं, जिसकी विचारधारा राष्ट्र को सम्मानित करती है, घटना को सम्मान करती है, वो ऐसा इंसान कौन सा भी धर्म का हो वो उस जगह पे बैठ सकता है. ये मोदी जी ने सिद्ध किया. मोदी जी ने कहा कि
नोटबंदी की, नोटबंदी के पर बहुत सारे व्यापारी लोग भी नाराज थे, भाई नाराज थे ना, तो जिनके पास दो नंबर की नोट थी वो नाराज थे, जिनके पास दो नंबर की नोट थी वो लोग नाराज नहीं थे। चिंता किसको लगती है? जिनके पास अनवांटेड मनी और रॉन्ग ट्रैक का पैसा है वो लोग को डर लगता है, लेकिन पूरे छोटे छोटे तबके के लोगों ने मोदी जी के उस आइडिया को स्वीकार किया। अभी जो एलबीटी, एलबीटी मतलब रॉन्ग बेटर, लेकिन जीएसटी आज अभी कल से कर दीजिए बोला कि जीएसटी के माध्यम से इतना पैसा आ रहा है और वही विकास में शुरू हो रहा है। देश में बड़े बड़े रास्ते बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़ी बड़ी डॉक्स बन रहे हैं, भले प्राइवेट बने लेकिन वो देश के अमल से कोई आदमी कोई किधर अपने घर में चौका लेके जाने वाला है। सबसे बड़ी मोदी साहब की जो जो अचीवमेंट है वो देश को बलवान करें। आज अपने आर्मी को तोड़ नहीं है, अपने एयरफोर्स को तोड़ नहीं है, अपने नेवी को तोड़ नहीं है, कौन सा भी अमेरिका हो या दूसरा चाइना भी हो, भारत देश की ओर किसी मतलब से देख नहीं सकता। वो डर उसमें पैदा करने की ताकत मोदी साहब ने पैदा की है। और साथ साथ विद्यार्थियों का ध्यान, महिलाओं का ध्यान, अपंग लोगों का ध्यान, जो वंचित है उनका ध्यान, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को कर्जे की उपलब्धि हो रही है, जिसके जरिए आज आत्मविश्वास पैदा हुआ है। मैं यकीनन से बोलूंगा कि कल का जो कालखंड है वो अपने देश का है। अभी थोड़ा सा भी अभी आप बहुत सारी चर्चा की, शरद भाई ने, मोहन भाई की, परसों के लिए मेरी एक मीटिंग हुई, किसी भाई थे आप एपीएमसी के सचिव, एपीएमसी के डायरेक्ट चेयरमैन तक साहब शशिकांत जी शिंदे, अपने विजय गुप्ता जी और उनके अधिकारी, मैंने महानगर पालिका के अनधिकृत जो बांधकाम पर कार्रवाई करने वाले उपायुक्त को बुलाया था, एडीटीपी को बुलाया था। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, उस दिन मैंने बोला कि भाई ये लीजिंग का कारोबार हमको मंजूर नहीं, हमारे गांव, अरे हमारे सातबारे में हमारा नाम था, आज आप लोग भाड़ी गोरू बन गए, नहीं मंजूर करूंगा। मैंने तो विधानसभा में आगामी कालखंड में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जो लीजिंग का मामला है खत्म हो जाए, खाली गाँव वालों के लिए नहीं, जो बाहर के लोग है उन्होंने गाँव के आजू बाजू में मकान बनाए उनके लिए भी वो लीजिंग नहीं, कौन कौन फ्री होल्ड, फ्री होल्ड झोपड़पट्टी का लोग उनको भी फ्री होल्ड। और उस दिन मैंने बोला है कि आप उनको मैंने क्या बोला अब्दुल्ला जी, पूरे एपीएमसी कर्जा बटाटा का एरिया निकालो, भाजीपाला का निकालो, फ्रूट्स का निकालो, दाला बाजार का निकालो, मसाला बाजार का निकालो, उसका पूरा कितना स्क्वेयर मीटर इलाका है उसकी डिजाइन बनाओ, रास्ते प्लानिंग कराओ। तो हमारे शाह क्या दीपक भाई शाह बोले दादा तो मैं मर जाऊंगा तो पूरा हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं, प्लानिंग करो तुम्हारी बिल्डिंग तुरंत आपको चालू करेगी, क्या बोला मैंने तुरंत। और हम लोग व्यापारी लोगों के साथ में मैंने बोल दिया वहां पे, उधर कहीं बोले कि दादा सब व्यापार चला गया, ये हो गया सो हो गया, कोई किसी ने बोला कि दादा इधर एपीएमसी वीक होगी, तो मैंने बोला व्यापारी लोगों को मैंने बोला किसी भाई मैंने बोला ना कि भाई एक रुपए आता है आने चाहिए वो आपके चारा ना आता है बाराना किधर जाता है, एपीएमसी का सेस बाराना किधर जाता है, आपने सुधारणा करनी पड़ेगी। जब अपन लेने की बात करते तो देने की भी बात करनी पड़ेगी, चाय के छोड़ो इसके पानी की क्या बोला मैंने, पानी के लिए उल्टा पलटा होगा ना,
उसमें हमारा कोई कोई व्यापारी बोलेगा कि दादा ने बोले आइए भेज दो, बोल सकता है इसे होटल सुरेश जी होटल वाले को पूछो कि हम लोगों ने कोई कोई भेज दो करके बोला है, पैसा पहले दे दो बात, ये कोई बड़ी पद की बात नहीं है। जहाँ पे जो लीडरशिप करते हैं उन्होंने ये एग्जाम्पल देना चाहिए कि हम लोग फ्री नहीं। और आगे चल के उसके लिए वो डिजाइन बनाएंगे शरद भाई, फ्री होल्ड करेंगे और हमारे कीर्ति भाई की इच्छा इंटरनेशनल कीर्ति बना देगा। हाँ तो बात ऐसी देखिए कि व्यापारी संभल रहे तो व्यापारी की बात मोदी साहब ने जो किया है तो आगे आप 9 साल छोड़ो मोदी साहब को लोग जो जब तक वो चाहेंगे ना तब तक नेतृत्व तो देने वाले मोदी साहब के लिए कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो फकीर देश का व्यक्ति बन खुद के लिए कुछ नहीं है जो करना है देश का सम्मान बढ़ाने के लिए मानवता की सेवा करने के लिए और न खाऊंगा खाने में अभी कोई कोई मोदी साहब के नाम पे बार के बार खाते होंगे तो मोदी साहब को कितने की संभव है लेकिन जब ट्रैक में आएगा तो मोदी साहब ऐसे खाने वालों को बख्शेंगे नहीं। से मैं बोल रहा हूँ आपको यकीन नहीं होगा मैं मोदी साहब की मेरी मुलाकात 2013 में हुई जनकपुरी महाराज गुजरात में उनके जन्मदिन पे लेकर मैं 6 साल गया। पहले साल में मेरी लिए लेफ्ट की जगह हमेशा पक्की थी। पहले साल में आप मैं गुजराती थे, दूसरे साल में अशोक गोविंद थे, तीसरे साल में अशोक मेहता जो आपने इंटरनेशनल डांस करके तीसरे थे गवर्नर, बाद में शंकर सिंह वगैरह थे और पांचवें साल में मोदी साहब हमारे जनकपुरी महाराज थे। मतलब कि भाई मोदी साहब भी हमारे दादा बहुत स्ट्रांग थे, स्ट्रांग तो ताकत से नहीं पैसे से नहीं लेकिन विचारधारा से स्ट्रांग। आज मैं बोल आपके सबके प्यार के बलबूते थे मरने की लड़ाई करेंगे लेकिन लोगों पे जुल्म हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा करने वालों को तकलीफ होती है होते तो रोने का नहीं डरने का नहीं उल्टा बोलने का भगवान उनको आप लोग क्या बोले उनको माफ करो और हमसे कोई गलती होगी आप बोले यार भगवान हम माफी मांगते माफी मांग रहा और माफ करना एक भगवान ने दिए हुए अच्छे विचार किए दिशा नहीं। और मैं यकीन से बोलता हूँ कि नई मुंबई के व्यापारी के और सब लोग नई मुंबई के कौन सा तबका नहीं अपने साथ में सब है हर रिक्शा वाला टैक्सी वाला होटल वाला मोटेल वाला पारी वाला लॉरी वाला हर चीज हर सख्त आपने को मन से चाहते हैं। इसलिए आज तक किसी भी शहर में 25 साल की किसी भी लीडर को ऐसी किसी भी नेतृत्व को बहाल नहीं किया वो नई मुंबई की जनता ने गणेश नाइक को किया। तो गणेश नाइक की चाकू से भी तलवार का प्रभाव नहीं है, चाकू से भी प्रभाव क्या पैसे का प्रभाव है वो प्यार का प्रभाव। और हम लोगों ने आज तक प्यार से सब कुछ जीता है आगे चल के प्यार से जीतेंगे। प्रभाव की वजह से रोटी कपड़ा मकान अपना पक्का बंदोबस्त हुआ है, अमृतवाल जी क्या बोले पक्का बंदोबस्त हुआ है। किसी को आज ही कोई बिल्डर बिल्डर कोई बोले कि दादा ने हमसे पैसा मांगा है स्क्वेयर फुट के हिसाब से और शहर में चलता है हमारे घर में नहीं। पॉलिटिशियन कोई इधर कोने कोने में कोई मानता होगा लेकिन जनरल की नई मुंबई गुंडा भी नहीं है। और मैं बोलता हूँ जब तक गणेश नाई तब तो नई मुंबई का गुंडा नहीं है गुंडा। आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ मोदी जी के नेतृत्व की जो प्रतिमा है ये समाज के हर स्तर को एक छाया देने वाला और वो प्रतिमा खाली बताने के लिए नहीं रियलिस्टिक हमारे जो कार्बोरेटर है ये लोगों ने भी कोविड कालखंड के उसके बाद में भी लोगों के लिए भर से काम किया। और अभी नाम ले लोगों तो कि एक का लिया तो दूसरे का लगे के दादा ने बेहद नाम दिया लेकिन बड़ी तबीयत से काम किया और तन मन धन से काम किया और आगे चल के फिर से नई मुंबई की जनता का काम होते रहेगा। व्यापारी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ ये जो आप लोगों के निवेदन मेरे को दो शरद भाई आपका
कितनी पहले कॉपी दी है आप लोग दस दिन का, उसका सारांश निकाल के फिर से मीटिंग कराएंगे अपन एक 15-20 दिन के बाद में, और उसमें से इस शहर में व्यापारी लोगों को जीएसटी है वो जीएसटी कैसा कैंसिल हो जाए उसका भी मतलब उसके काफी प्रमोद जोशी बोल रहा था जीएसटी है। डोंट वरी, ये जनता का राज किसी अकेले के राजपुत्र का राज नहीं है, ये जनता का राज है। ये जनता के राज में जनता की इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग आपके साथ में रहेंगे, ऐसा आश्वस्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।